नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, जहां उन्नाव के डीजी अग्निशमन ने उन्नाव के उद्यमियों और कारोबारियों के बीच जाकर आग लगने की स्थिति में काबू पाने का तरीका बताने की पाठशाला लगाई। दरअसल डीजी ने उद्यमियों और कारोबारियों को अहम टिप्स दिए, साथ ही उद्यमियों और अग्निशमन यंत्रों को अपने कारखानों और प्रतिष्ठानों में लगाने की भी अपील की। वही फायर संयंत्र न लगाए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई। बता दें कि डीजी की जागरूकता पाठशाला को लोगों ने काफी सराहा है। इसीलिए जागरूक करने के लोगों को बताया जा रहा है कि आग लगे ही ना, इसका उपाय करें, और आग लग जाए तो स्थानीय संसाधनों से उसको जो है कैसे कंट्रोल करें इसके लिए लगे, और बाकी जो प्रतिष्ठान है उनमें जो स्मोक सेंसर लगे होने चाहिए, स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए, टैंक होना चाहिए, अनाउंसिंग सिस्टम होना चाहिए, स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उनको लगवा के रखना चाहिए। देखिए, ये फायर फाइटिंग सिस्टम जो है ये किसी भी बिल्डिंग को बनाने में 10-15% इसकी कॉस्ट आती है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां नाराज राकेश टिकैत ने 22 तारीख को जनपद में आ रहे मुख्यमंत्री का ट्रैक्टरों के साथ घेराव करने की चेतावनी दी है। वही किसान दिवस पर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जनपद का प्रशासन किसान दिवस न माने ये चाह रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 20 सालों से लगातार किसान दिवस मनता आ रहा है और आगे भी मनाया जाएगा। वही आगे राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन अगर किसान दिवस पर किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को नहीं सुनेगा तो आने वाले 22 तारीख में जनपद में मुख्यमंत्री के आगमन पर ट्रैक्टरों से उनका घेराव कर उनको अपनी बात सुनाई जाएगी। वही राकेश टिकैत ने पूरे जिला पंचायत की बिजली तक काट दी। वही अगली खबर बाराबंकी से है, जहां अतरौली गुडारी मोड़ स्थित लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रोडवेज बस ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी है। ई रिक्शा सवार कई लोग गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि ई रिक्शा सवार 8 लोगों में एक की मौत भी हो गई है, वही अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया है। सफदरगंज थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चल रहा था, उसके पीछे से एक रोडवेज की बस ने उसमें टक्कर मार दिया, जिससे करीब 9 लोग घायल हो गए थे, इसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 3 लोग लखनऊ के लिए रेफर हुए हैं, शेष लोगों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसके संदर्भ में आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। वही अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां डीएम ने जिला कारागार में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। वही उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी ने कैदियों को बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं जिससे समाज आगे बढ़ता है। वही जिलाधिकारी ने सभी कैदियों से आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कैदी बाहर जाने के बाद अपराध मुक्त, अनुशासन, अच्छा जीवन जिएंगे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम का प्रबंधन मेडी ड्राइव हेल्थ केयर सर्विसेज नई दिल्ली के द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अरविंद कुमार गुप्ता डायरेक्टर, जयदीप विमल और भास्कर गुप्ता शामिल रहे। वही स्वास्थ्य शिविर में 350 से अधिक महिला और पुरुष बंदी लाभान्वित हुए। आज शाहजहांपुर जेल में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशाल मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा तथा श्री वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला मजिस्ट्रेट श्री उमेश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। वही अगली खबर कानपुर से है, जहां बास मंडी स्थित जिन मसूद कॉम्प्लेक्स एयर टावर से सालाना करीब 300 करोड़ रुपए के कपड़े का कारोबार होता था, उन्हें सोमवार से गिराए जाने लगा है। शुरुआत में इन दिनों टावरों से सालाना करीब 25 से 30 लाख का कारोबार होता था। दरअसल 30 मार्च की रात लगी आग में दोनों टावर जर्जर हो चुके हैं, इन्हें गिराकर दोबारा निर्माण होना है।
वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां पावर हाउस के निर्माणाधीन चिमनी से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। यह हादसा काम करने के दौरान हुआ है। वही युवक की पहचान अफसर अली बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट चुकी है। वही अगली खबर संभल जिले से, जहां गुन्नौर से इलाके के गांव में किसान के खेत में विशालकाय अजगर मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बमुश्किल अजगर को पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में लेकर दुरुस्त सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। वही विशालकाय अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वही अगली खबर यूपी के जनपद कासगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। क्षेत्र में इस शव को देखते ही सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसरों ने मौके से साक्ष्यों को एकत्रित कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। महिला कहां की रहने वाली थी और उसका क्या नाम है, इसकी हत्या क्यों की गई, क्या इसकी हत्या रेप के बाद की गई, इन सब सवालों की पुलिस तलाश कर रही है। आज सुबह थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत ग्राम ईसापुर के समीप एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारी एवं हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। मौके से भौतिक साक्ष्य संकलन कराया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि महिला के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण से इसकी मृत्यु हो गई है। वही अगली खबर कासगंज जनपद से, जहां जिला मुख्यालय पर तमाम ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक अनिश्चयकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे प्रधानों ने जिला प्रशासन पर विगत वर्ष कराए गए मनरेगा योजना के तहत कामों के भुगतान न कराने का आरोप लगाया है। धरने पर बैठे प्रधानों ने कहा है कि अगर हमारा जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। दरअसल कासगंज के जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे ये सभी लोग जनपद के प्रधान और रोजगार सेवक हैं, जो अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के भुगतान न होने पर धरना दे रहे हैं। सभी प्रधानों ने प्रशासन पर प्रधानों के द्वारा गांव में मनरेगा योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। अजय जी, जो आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या पूरी मांगे हैं और क्या उसकी वजह है? मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाली कार नाली घड़ंजा जहाँ कीचड़ बन गई, वहाँ पानी भर गया, कायाकल्प के काम, ये सारे काम हम लोगों ने, अधिकारियों ने खुद स्वीकृति दे के, भाई जब कार कराने से पहले स्वीकृति ली जाती है संबंधित विभाग खंड विकास अधिकारी से, उन्होंने स्वीकृति देने के बाद हम लोगों से कार्य करा लिए कि भाई शासन का डंडा है, इस कार्य को प्राथमिकता में कर दीजिए। वही अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुहर्रम को देखते हुए राजधानी के पुराने लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस ने पैदल मार्च किया। वही डीसीपी पश्चिम राहुल राज और एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिंह के निर्देश पर यह मार्च निकाला गया। वही इस पैदल मार्च में कई एसीपी और कई थानों के एसएचओ के साथ कई पीएसी बटालियन और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। अगली खबर महोबा से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन जनपद के शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। तो वही जनपद के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिया गया। बेहतर दिखाई पड़ी, किसी मरीज ने अथवा किसी तीमारदार ने कोई शिकायत नहीं की। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि अस्पताल में डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है, अस्पताल में दवाएं मिलती हैं, अस्पताल में जो सुविधा आप चाहती मिल रही है, सब ने स्वीकार किया। मुझे खुशी हुई कि आज हमारे महोबा के जिला चिकित्सालय में महिला विंग में सब कुछ ठीक मिला और मरीज संतुष्ट मिले, इसी के लिए हमारी सरकार काम करती है।
लोगों की संतुष्टि ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही अगली खबर महोबा से है, जहां महोबा में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा सहित गौशाला निर्माण के भुगतान न होने पर नाराजगी जताते हुए धरना दिया। तो वही ब्लॉक कार्यालय में ताला लगाकर जमकर नारेबाजी भी की गई। विकास कार्यों के भुगतान न होने से प्रधानों में नाराजगी है और वही वजह है कि 3 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का भुगतान न हो पाने के कारण धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई और एक ज्ञापन SDM को सौंपते हुए जिलाधिकारी से कराए गए विकास कार्य और निर्माण कार्य के भुगतान किए जाने की मांग की गई। यह धरना प्रधान संगठन के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि अभी जो पैसा आया था मनरेगा का 1100 करोड़ और पनवाड़ी ब्लॉक का 6 करोड़ रुपए सभी प्रधानों का, सभी ग्रामों का, पंचायतों का बकाया था, जिसमें से केवल जो शासन की प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी गौशाला भी एक प्रमुख योजना मानी गई है। योगी जी का सख्त आदेश है कि गौशालाओं का भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक ना भी, कम से कम पिछले 3 वर्षों से जब से हम लोग प्रधान बने हैं आज तक गौशालाओं को भुगतान नहीं करा पाया, गौशालाएँ पूर्ण। वही अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां सेक्स रैकेट की सूचना पर AGM सिटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ ओयो होटल पर छापा मारा। वही मौका देखते ही युवक फरार होने में कामयाब हो गया। साथ ही पुलिस ने होटल से DVR और होटल संचालक को हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। यह शिकायत मिली थी यहाँ पर कि अनधिकृत रूप से होटल में लोगों को रुकाया जाता है, तो उसको संज्ञानित किया गया और इनके रजिस्टर में देखा गया, मौके पर मिलान किया गया, तो अपडेट नहीं था, तो उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। SCM 2 इसकी पूरी जांच करके कार्रवाई कराएंगे। अवैध रूप से लड़के आ रहे थे यहाँ पे, अब उसकी पूरी जो है जाँच कराई जा रही है। जो चीज़ें थी वो शिकायतें में सत्यता पाई गई है। वही अगली खबर पीलीभीत से है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण करने का आरोप लगा है। वही ये आरोप सपा नेता पर लगा है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली सहित SP से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित परिवार ने 30 जून को लड़की के अज्ञात होने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकियां दे रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरी बेटी को अगवा किया गया था, ये आज 19 दिन हो गए हैं। मेरी बेटी की के खिलाफ मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं कोतवाली भी गया था, प्रशांत कुमार रवि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उसे अरेस्ट किया जा रहा है। कितने समय हो गया और क्या पहले आपने अज्ञात में मुकदमा लिखाया, फिर आपने, आपको कब जानकारी हुई कि प्रशांत रवि आपकी बेटी? ये हमें करीब 11 दिन बाद जानकारी हुई थी। वही अगली खबर हरदोई से है, जहां जमीनी विवाद में लाइसेंसी राइफल से दहशत फैलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग राइफल लहराते हुए दिख रहे हैं। वही पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही अगली खबर झांसी से, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर में कार्यरत नवाचारी शिक्षक मोहनलाल सुमन ने विद्यालय के बच्चों के बीच चंद्रयान 3 का मॉडल बनाने का प्रयोग किया। बता दें कि इसरो के LVM-3M4 रॉकेट द्वारा 14 जुलाई को दोपहर में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की उड़ान भरी थी, जिसका मॉडल तैयार कर मोहनलाल सुमन ने पानी और हवा के दबाव से चंद्रयान 3 के मॉडल को उड़ाया, जो कई फीट ऊपर तक गया, जिसे देखकर बच्चों में रोमांच भर गया। इसके पहले मोहनलाल सुमन के द्वारा विद्यालय के बच्चों को चंद्रयान 3 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से समझा। वही अगली खबर झांसी से है, जहां भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कैंसर विभाग में पानी उपलब्ध नहीं होने, सर्वर ठप होने पर तत्काल मैनुअल पर्चे न बनाए जाने के चलते मरीजों और तमाम
लोगों को हो रही परेशानियों के निरीक्षण के लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर एस एन सेंगर और एस आई सीडा सुनीता भदौरिया से मिले। उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित न होने के कारण मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही अव्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आम मरीज के लिए डॉक्टर सुनीता ने यह मेडिकल कॉलेज स्थापित किया और हमने प्रयास किया डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आए तो सुपर स्पेशलिटी एम्स जैसा एक बिल्डिंग और बने, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। कल सर्वर डाउन हो गया 10 बजे से कभी स्लो और 12 बजे पूरी तरह डाउन हो गया। कम से कम हजारों मरीज बिना ओपीडी के चले गए, उनका पर्चा नहीं मिल पाया। वही अगली खबर झांसी से, जहां तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले थाना गुरसराय के ग्राम पंचायत मजोरी में पहाड़िया के समीप देर रात्रि एक काफी कलर की सफारी गाड़ी द्वारा सड़क पर बैठी गाय में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही गाय के समीप गाड़ी के टूटे हुए कुछ प्लास्टिक के टुकड़े दिखाई पड़े। वही अगली खबर महाराजगंज से बताई जा रही है, जहां पर फेसबुक अकाउंट को हैक कर विधायक की फोटो हटाकर लड़की की फोटो लगाई गई। वही अज्ञात साइबर हैकरों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। वही अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दोनों नदियां उफान पर हैं और तहसील सदर क्षेत्र के 2 दर्जन गांव में तबाही मची हुई है। वही गंगा और रामगंगा में आई बाढ़ से ग्रामीण का संपर्क मार्ग टूट गया है, जिससे इटावा बरेली बदायूं मार्ग पर 5 फीट पानी भर गया है। बता दें कि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।